हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं मैंगो राइस फिरनी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। जिसके लिए हमें चाहिए ये चावल, 1.5 कप चावल लिए हैं, जिसे कि 1-1.5 घंटा तक भिगो के रखे हैं। और ये आम का रस है, आम का जूस, और ये दूध, और ये खोया, ये चीनी, ये आम का पहले से ही इसका दूध मिला करके जूस बना लिए हैं। और ये दूध से खोया में डाल के इसका ये दूध जो है इस खोया में डाल देंगे और डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पतला सा पेस्ट बना रहेगा तो इसको मिलाने में आसान रहेगा, ये आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारा बन गया है। और ये इलायची पाउडर है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम निकाल लिए, अब हम इसमें चावल का पेस्ट बना लेंगे। ये चावल का पेस्ट बन गया है। चावल का पेस्ट जो है ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, इस तरीके का पेस्ट बनाना है। अब ये 1 लीटर दूध है, जिसे कि बॉईल करने रखे थे, अब इसमें उबाल आ गया है। अब ये दूध उबल चुका है, पहले से थोड़ा गाढ़ा कर रहे थे इसको, अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें राइस का पेस्ट जो है, चावल का पेस्ट, वो डाल देंगे। और इसको लगातार चलाते रहेंगे। लगातार नहीं चलाने से क्या होगा, ये अंदर में लग जाएगा और इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए इसे हमें लगातार चलाना होगा। इसको तेज़ी से लगातार चलाना होगा और गैस का जो फ्लेम है वो हम बहुत ही कम रखेंगे, नहीं तो ये अंदर में बैठ लग जाएगा। और इसीलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है और गैस का फ्लेम भी जो है सो बहुत स्लो रखना है, क्योंकि चावल को पकाना है, इसीलिए इसको गैस को एकदम स्लो करके इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएं। अब हम इसमें खोया का जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल देंगे। खोया डालने से जो है फिरनी का टेस्ट जो है सो और दुगना हो जाता है, इसीलिए आप जो है सो आप एक बार खोया और मैंगो डाल के फिरनी, वैसे तो राइस फिरनी अलग अलग तरीके से बहुत से तरीके से बनता है, और इसमें हम कोई मेवा नहीं डाले हैं। और ये चीनी जो है खोया में भी थोड़ा मीठा है और आम भी मीठा है, इसलिए चीनी कम डाले हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डाल करके लगातार चलाते रहें। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब ये गाढ़ा होने लगा है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इलायची पाउडर को अच्छे से मिलाना है। दोस्तों, इस तरीके से एक बार आप फिरनी बना करके ज़रूर देखें, लगातार इसे चलाते रहें। अब इसमें अब ये ठीक हो गया है और अब हम इसमें मैंगो जूस डाल देंगे, आम का रस जो बना के रखे थे उसको डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। नहीं तो ये आम वैसे तो मीठा है लेकिन
आम का ये दूध में जो उबाल आने के बाद हो सकता है कि फट जाए, इसीलिए इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब ये देखिए ठीक हो गया है। अब हम इसको, ये बन गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये ठंडा जब हो जाए तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, और इसका मैंगो जूस डालने से इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसको सर्व करने के लिए तैयार है ये। अब इसका मैंगो जूस जो है उसी से थोड़ा रखे थे, अब इसका हम गार्निशिंग कर लेते हैं इससे। तो हमारा मैंगो फिरनी बनके तैयार है, और इसको हम चॉकलेट से गार्निश कर लेते हैं, तो जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। चॉकलेट तो बच्चों के फेवरेट होते हैं, इसीलिए इसको चॉकलेट से गार्निश कर देते हैं। इस तरह से तो बच्चे को भी पसंद आएगा, देखिए। और ये कितना अच्छा कलर आया है, और मेरा मैंगो फिरनी राइस फिरनी बनके तैयार है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।